इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। आपको पता होगा कि एटीएम मतलब एनी टाइम मनी मशीन, यानी 24 घंटे सेवा देने वाली ऐसी मशीन जिससे घड़ी के किसी भी घंटे में पैसे की जरूरत पड़े तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। मगर मुगेली जिले में एक ऐसा भी एटीएम मशीन है जो बैंक के समय पर ही खुलता है व बैंक के बंद होने के समय ही बंद हो जाता है। ऐसे में 24 घंटा सेवा देने के दावे करने वाली बैंकों द्वारा खाता धारकों के साथ धोखा किया जाना प्रतीत हो रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की अहम भूमिका होती है। भारत देश में सैकड़ों बैंक संचालित हैं जहां करोड़ों खाता धारक अपनी पूंजी जमा कराते हैं, वह जरूरत पड़े तो निकालते भी हैं। इस कार्य को करने के लिए बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। चूंकि बैंक एक समय सीमा के लिए खुलती है, वह विपरीत परिस्थिति में पैसे निकालने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकों द्वारा एटीएम मशीनों का संचालन भी किया जाता रहा है, ताकि जब बैंक बंद हो और खाता धारक को पैसे की जरूरत हो तो वह एटीएम मशीन से पैसों का आहरण कर सके। मगर मुगेली जिला में संचालित आईडीबीआई बैंक के एटीएम मशीन की बात करें तो यह बैंक के समय में ही खुलता है और बंद भी हो जाता है। आपको बता दें कि देश में संचालित सभी बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वह आरबीआई के नियमानुसार सभी बैंकों की एटीएम मशीनें 24 घंटे खुले होने चाहिए, मगर मुगेली में संचालित आईडीबीआई बैंक द्वारा आरबीआई के नियमों को ताक में रखते हुए शाम होते ही एटीएम के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। और यह सिलसिला आज या कल की नहीं है, बल्कि विगत कई महीनों से आईडीबीआई प्रबंधन द्वारा दोहराया जा रहा है, जिससे रात के समय में अगर पैसों की जरूरत पड़े तो खाता धारकों को एटीएम मशीन के दरवाजे में लगे ताले को देखकर ही संतुष्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। जो एटीएम है ना, जो रात में यदि जरूरत पड़ता है पैसा का, जाओगे ना तो एटीएम रात में बंद रहता है। मेरे हिसाब से रात में सबसे ज़्यादा हर कोई भी इंसान को जरूरत रहता है, कोई बच्चों है या कहीं से आना जाना, इंसान को एटीएम का जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले बैंक का जो एटीएम है उसको चालू रहने चाहिए रात में। मेरी ये सोच है और मेरे क्या हर कोई ये सोच है कि रात में चालू नहीं है क्या मतलब ऐसा एटीएम का, उसमें तो कहीं भी जाके आप ले सकते हो, क्या बोलते हैं चौक में, और मेन चौक पर दाव पा रहा है, हर कोई ये उम्मीद रहता है कि रात में वहाँ मिल जाए पैसा, कुछ सामान या कहीं जाना है या किसी फंस गया तो पैसा जरूरी होता है, बंद रहता रात में, इसका वेट पता है। इस संबंध में आरजे रामझाझर के संवाददाता ने आईडीबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक से बात की तो उन्होंने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि साहब मैं अभी अभी यहां पदस्थ हुआ हूं और इससे पहले क्या होता था मुझे जानकारी नहीं है, एटीएम बंद होने की बात आपके द्वारा बताया गया है तो जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करता हूं। शाखा प्रबंधक द्वारा दी जा रही इस तरह की दलीलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगेली जिले में संचालित आईडीबीआई बैंक प्रबंधन जिले के खाता धारकों के प्रति कितनी संजीदा है और किस प्रकार से दी जाने वाली सुविधाओं का ख्याल रखता है। देखना होगा इस खबर को देखने के बाद आईडीबीआई प्रबंधन 24 घंटे एटीएम सुविधा के दावों को पूरा करती है या फिर ऐसे ही खाता धारकों के साथ धोखा ही करती रहेगी। मुगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।